हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंद कोच। मैं हूँ वंदना। आज मेरे साथ अंतरिक्ष की यात्रा पर चलेंगे। वाओ, इतने सारे लोग मेरे साथ अंतरिक्ष की यात्रा पर चलना चाहते हैं। दैट्स ग्रेट। लेकिन अंतरिक्ष की यात्रा पर चलने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी होगी, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि हमने अंतरिक्ष यात्रा कैसे की, हम कहाँ से स्टार्ट हुए, कहाँ कहाँ हम गए, हमने क्या क्या सीखा। लास्ट में मैं आपको सब बताऊंगी, हमने कैसे स्टार्ट करा, हमने क्या क्या देखा, हम क्या बन गए हैं ये देखने के बाद, ये सब आपको लास्ट में पता चलेगा। तो अगर आपको मेरे साथ ही अंतरिक्ष का सफ़र तय करना है तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए अंतरिक्ष यात्रा शुरू करते हैं। इस वीडियो लेसन में स्टडी करते हैं स्पेस वोकैबुलरी। पहले जानते हैं स्पेस क्या होता है। स्पेस का मतलब है अनलिमिटेड एक्सपेंस इन विच एवरीथिंग एग्जिस्ट। अनलिमिटेड मतलब असीमित, जिसकी कोई सीमा ही ना हो। एक्सपेंस होता है विस्तार, विस्तार रूप से। इन विच एवरीथिंग एग्जिस्ट, जिसमें सब कुछ होता है। सन मतलब सूर्य, मून चांद, प्लैनेट मतलब ग्रह, स्टार्स का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स, हिंदी में उसको कहते हैं नक्षत्र। और जो कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स का जो वर्ड होता है वो होता है गैलेक्सी, आकाश गंगा जिसे कहते हैं। स्पेस में एस्ट्रॉयड, मीटरॉयड, कॉमेट्स ये सब भी हैं, तो आइए इनको भी स्टडी करते हैं। एस्ट्रॉयड का मतलब होता है माइनर प्लैनेट्स दैट गो अराउंड द सन। इसका मतलब होता है प्लैनेट जो सन के अराउंड घूमते हैं, ये माइनर प्लैनेट्स होते हैं, मतलब लघु ग्रह होते हैं, प्लैनेट से बहुत कम साइज के होते हैं और ये सूर्य के अराउंड घूमते हैं। चलो अब हमने एस्ट्रॉयड भी देख लिया, अब देखते हैं मीटरॉयड क्या होता है। स्टोन लाइक और मेटल लाइक डेब्रिस विच ट्रेवल्स इन स्पेस, मतलब पत्थर जैसे दिखने वाले या मेटल जैसे दिखने वाले डेब्रिस। डेब्रिस होता है टुकड़े, जैसे पत्थर के टुकड़े हो गए या मेटल के जो टुकड़े हो गए जो स्पेस में ट्रैवल करते रहते हैं, वो होते हैं मीटरॉयड। अगर यही मीटरॉयड अर्थ के वायुमंडल पर आ जाते हैं या अर्थ के एटमॉस्फेयर को स्ट्राइक करते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, मीटियोराइट या फिर मीटियोर। वाओ, स्पेस में कॉमेट्स भी हैं। कॉमेट्स क्या है? कॉमेट्स का मतलब है डस्टी स्नोबॉल्स दैट ऑर्बिट अराउंड द सन। डस्टी का मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी वाले। ये आइस से बने होते हैं और इन पर मिट्टी की परत होती है और ये सन के अराउंड घूमते हैं, ये होते हैं कॉमेट्स। ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट होता है अ कर्व्ड पाथ टेकन बाय द प्लैनेट एज इट मूव्स अराउंड द सन। इसका मतलब जिस रास्ते से प्लैनेट सन के चारों ओर घूमते हैं वो रास्ता कौन सा होगा, ऑर्बिट। अब जानते हैं सैटेलाइट क्या होता है। सैटेलाइट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज सेंट इनटू स्पेस एंड दैट मूव्स अराउंड अर्थ और अनदर प्लैनेट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। सैटेलाइट को हम हिंदी में कहते हैं उपग्रह। तो सैटेलाइट हुआ क्या, मतलब सैटेलाइट होता है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है या फिर किसी अन्य ग्रह के चारों ओर घूमता है और हम इसको स्पेस में भेजते हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, मतलब किसी विशेष प्रयोजन से हम इसको अंतरिक्ष में भेजते हैं। अब जानते हैं एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर का मतलब है ब्लैंकेट ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। हिंदी में इसका अर्थ है वातावरण या फिर वायुमंडल। अब ब्लैंकेट ऑफ गैसेस क्या होता है, मतलब बहुत सारी गैसेस हैं जो अर्थ के चारों ओर हैं। गैसेस में कौन कौन सी गैसेस हो गई, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, लीडियम, नियॉन, नेक्सोनॉन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी क्या हैं, गैसेस हैं जो अर्थ के चारों ओर हैं, परत बनाए हुए हैं, तो वो क्या हो गया, एटमॉस्फेयर। अब हम स्पेस के बारे में तो जान गए हैं, अब जानते हैं स्पेस क्राफ्ट क्या होता है। स्पेस क्राफ्ट का मतलब है व्हीकल दैट ट्रैवल्स इन स्पेस और द व्हीकल दैट इज डिजाइन टू ट्रैवल इन स्पेस। हिंदी में इसका अर्थ है अंतरिक्ष यान। अब हम अंतरिक्ष में तो आ गए हैं, हम अंतरिक्ष में आए कैसे थे, अंतरिक्ष यान से आए थे, मतलब स्पेस क्राफ्ट से आए थे। जो व्हीकल डिज़ाइन किया जाता है अंतरिक्ष में जाने के लिए, यानी कि अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष में जाने वाला व्हीकल, स्पेस क्राफ्ट। एग्जाम्पल, साइंटिस्ट डिंट लॉन्च द स्पेस क्राफ्ट ड्यू टू बैड वेदर। साइंटिस्ट ने स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च ही नहीं करा बुरे मौसम के कारण। लॉन्च क्या होता है, लॉन्च का मतलब होता है सेंड समथिंग इन टू स्पेस,
फॉर एग्जाम्पल अ व्हीकल इनटू स्पेस, मतलब किसी चीज़ को छोड़ना या फिर प्रारंभ करना। छोड़ते हैं ना जब हम स्पेस क्राफ्ट को, तो उसको हम कहते हैं लॉन्च, मतलब छोड़ना, लॉन्च। साइंटिस्ट कौन होते हैं? पर्सन विद एडवांस नॉलेज ऑफ साइंस, जिसको साइंस की नॉलेज होती है वो होते हैं साइंटिस्ट। फॉर एग्जाम्पल आइंस्टाइन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, आइंस्टाइन एक ग्रेट साइंटिस्ट था। अब स्पेस क्राफ्ट में कौन जाता है? स्पेस क्राफ्ट तो हमने स्टडी कर लिया, जो व्हीकल स्पेस में जाता है। स्पेस क्राफ्ट में कौन होता है? स्पेस क्राफ्ट में जो जाते हैं उनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट का मतलब है पर्सन हु ट्रेवल्स इन अ स्पेस क्राफ्ट और अ पर्सन हु इज गिवन ट्रेनिंग टू ट्रेवल इन अ स्पेस क्राफ्ट। इसका मतलब जो व्यक्ति स्पेस क्राफ्ट में ट्रेवल करता है यानी कि यात्रा करता है, या फिर वो व्यक्ति जिसको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है स्पेस क्राफ्ट में ट्रैवल करने के लिए, वो कौन होते हैं? एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ सन मून एंड स्टार्स। हिंदी में इसका अर्थ है खगोल विज्ञान। इसका मतलब जब हम अध्ययन करते हैं सूर्य चंद्रमा या नक्षत्र के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं उसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमर कौन होते हैं? जो एस्ट्रोनॉमी को स्टडी करते हैं, खगोलज्ञ। पर्सन हु स्टडीज एस्ट्रोनॉमी और एन एक्सपर्ट इन एस्ट्रोनॉमी, वो क्या हो गया? एस्ट्रोनॉमर। लूनर, लूनर का क्या मतलब होता है? लूनर का मतलब होता है चंद्र संबंधी, मतलब एसोसिएटेड विद मून। फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज अ लूनर इक्लिप्स यस्टरडे। इक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण, कल एक चंद्र ग्रहण था। सोलर, सोलर का क्या मतलब होता है? सोलर का मतलब होता है एसोसिएटेड विद सन, इसका मतलब है सूर्य संबंधी। फॉर एग्जाम्पल हैव यू सीन सोलर इक्लिप्स, क्या आपने सूर्य ग्रहण देखा है? टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का क्या मतलब होता है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेक्स द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर मैग्निफाइड एंड नियरर। जो दूर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको पास दिखाता है और बड़ा विस्तार रूप से दिखाता है, वो होता है टेलीस्कोप। हिंदी में उसको कहते हैं दूरबीन। जब हम दूरबीन से देखते हैं ना तो हमें दूर वाली चीज़ें पास दिखाई देती हैं और बड़ी दिखाई देती हैं। फॉर एग्जाम्पल With a good telescope, you can see the craters on the moon. एक अच्छे टेलीस्कोप से आप मून पर खड्डे भी देख सकते हो। गाइस अब अंतरिक्ष की यात्रा समाप्त होती है। तो गाइस किस किस ने मेरे साथ अंतरिक्ष की यात्रा को इंजॉय किया है? अब मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ कि हमने अपना सफ़र कैसे तय किया अंतरिक्ष में। पहले हम गए स्पेस में, अंतरिक्ष में हमने क्या क्या देखा? सन, मून, स्टार्स, गैलेक्सीज, कॉमेट्स, एस्ट्रॉयड, मीटेरॉयड्स, ये सब हमने देखा। फिर हमने जाना स्पेस क्राफ्ट क्या होता है, जो स्पेस में भेजा जाता है। एस्ट्रोनॉट वो होते हैं जो स्पेस क्राफ्ट में बैठकर स्पेस में जाते हैं। एस्ट्रोनॉमी होती है जब हम इन सब की स्टडी करते हैं। एस्ट्रोनॉमर होता है जो इसमें विशेषज्ञ होता है, एक्सपर्ट होता है इनकी स्टडीज़ में। और अगर आप मेरे साथ अंतरिक्ष की यात्रा पर नहीं आते, दूर से ही अंतरिक्ष को देखते, तो आप किसके थ्रू देखते? टेलीस्कोप के थ्रू, यानी कि दूरबीन के थ्रू। आई होप गाइज आपने ये स्पेस ट्रैवल मेरे साथ इन्जॉय किया होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल हिंदकोच। थैंक यू।